पवन सिंह सोहन जो सिंगर हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ पवन भाई आपके लिए, जो आपने सोनू सूद जी के लिए गाना गाया था, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ पवन भाई। आप नहीं मिल पाए, आपका गाना जो है फिक्स था कि सोनू सूद जी के एंट्री के पहले आपका गाना बजेगा, नहीं बज पाए। कुछ ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक आदमी कोई दोषी है, शायद उसमें मैं भी। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। ऐसे तो पहले मनीष सर के ऊपर गाए हैं, है ना, मतलब ये लोग इतने अच्छे काम करते हैं, हम लोग मजबूर हो जाते हैं इनके ऊपर गाने गाने पर। जी हम गांव से है और गांव में ये सारी चीज़ नहीं चलता है ना, तो मतलब सर को देखते हैं, सर इतने अच्छे काम करते हैं मनीष सर, तो उन्हीं से मतलब इंप्रेशन मिला। दोषी हूँ ये चीज़ें है, तो पवन भाई मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ कि आपने इतना मेहनत किया था, लगभग 15 से 20 दिन लगा था आपको वो गाना शूट करने में। पवन भाई कमाल का आप लोग आर्टिस्ट हैं। पवन भाई मेरा फ़ोन आपका आपने भी फ़ोन किया था, मैं नहीं उठा पाया था पवन भाई, ये चीज़ें है। लेकिन मुझे पता है कि आप इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं रखेंगे, मुझे पता है, इतना तो प्यार आप करते ही हैं मुझसे। लेकिन मैं खुद रख रहा हूँ अपनी तरफ से, आपको मौका मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हम लोग समझे कि मिस मैच है। हालांकि जैसे कि आपने हमें बुलाया, वहाँ पे 3 पास दिया, जैसे कि हम लोग गेट पे एंट्री किए, तो वहाँ पे बहुत सारे 50 ऐसे मीडिया भाई होंगे जो कि चारों तरफ से हम लोग इंटरव्यू किए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी देन है, आपकी वजह से है, तो इसमें माफी वाली कोई भी बात नहीं थी सर। बस आप एक मैसेज कर देते तो हम लोग, वैसे भी हम लोग सिचुएशन को समझे, है ना, और हम देखे कि आप स्टेज तक आए, वहाँ पे मतलब पब्लिक बहुत जुट गए, इसके वजह से आप थोड़ा सा गुस्सा हुए उन लोगों पे, और फिर उसके बाद आप दिखे नहीं, तो हमें लगा कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं अंदर। मुझे पता है कि मेरा सॉन्ग एंट्री के समय बजने वाला था।